मेरे मम्मी बहुत बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे 40 मिनट पार हुआ था और मेरा दीदी फोन की, तो मैं रिसीव की और बोली कि घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहे हैं और मम्मी अभी क्योंकि छोटा छोटा बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए देख सकते हो बहुत यामी है। टन टन जोहार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, और कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तो मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। और आज है मंडे और मंडे का इवनिंग है, अभी अभी हो रहा है टाइम 7 बज रहा है, तो आप सभी को शुभ संध्या। तो दोस्तों मैं अभी हूँ किचन रूम में, देख सकते हो मैं हमेशा किचन रूम में ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा और कुछ काम ही नहीं है, किचन रूम में ही मेरा मतलब टाइम स्पेंड होता है, तो मैं इसीलिए किचन रूम में ब्लॉग बनाती हूँ। खाना बना के जाती हूँ सुबह में ड्यूटी और फिर इवनिंग को आके फिर इवनिंग को खाना बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं ब्लॉग शूट करती हूँ किचन रूम में। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और मैं अभी बनाने वाली हूँ डिनर के लिए रोटी, और इधर बैठा ही हूँ भुजिया, और इधर है फ्लावर्स गोभी, और इसको मैं अभी बनाऊंगी। देख सकते हो अभी पूरा बना नहीं है, अभी बैठा ही हूँ। और हमारा रूम में पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तीन दिन से पानी ही नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बर्तन मांजने के लिए पानी नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा बकेट में निकल के ये सब बर्तन सब को साफ कर दी हूँ। और इधर मेरा दीदी चगाई थी फ्लावर्स गोभी का मतलब भुजिया बनाने के लिए, अभी मैं रोटी बनाऊंगी। और इधर आटा को गोद भी ली हूँ, देख सकते हो हम लोग दो ही जन है, तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही की हूँ, क्योंकि सुबह में ही खाएंगे इसको, सुबह भी खाएंगे इसको और जाएंगे ड्यूटी और लंच के लिए, तो कैंटीन में ही हम लोग खाना खाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। तो दोस्तों देखिए ये मेरा फ्लावर्स गोभी हो गया, जो कि रोटी के साथ में खाएंगे भुजिया, देख सकते हो बहुत यामी है। टन टन और इधर मैं गोल गोल कर दी हूँ, देख सकते हो आटा को, और इधर बेल भी ली हूँ, अभी बनाएंगे रोटी। दोस्तों मैं अभी रोटी को डालूंगी तवा पे, गरम हो चुका है तवा, तो ये रहा रोटी। तो दोस्तों मैं रोटी बेल रही हूँ, अभी देख सकते हो, और एक रोटी को तवा पे चघा भी दिए हैं, वो बन रहा है अभी, बहुत बड़ा बड़ा बना रहा है, क्योंकि छोटा छोटा बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसीलिए। और इधर है गोल गोल करके रख दी हूँ और बेल रही हूँ, और देख सकते हो रोटी। सो दोस्तों रोटी बना के अभी खत्म कर दिए हैं, और देख सकते हो ये हमारा रोटी, और तवा को भी नहीं उतार रहे हैं, यहाँ पे उतार देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ गैस का नीचे मतलब चूल्हा का नीचे। और इतना सारा रोटी बनाए हैं, और सभी रोटी बहुत बड़ा बड़ा है, और सभी रोटी फूला है दोस्तों, और अभी खाएंगे ये सब्जी। और दोस्तों मैं अभी सब्जी परोसूंगी, देख सकते हो हमारा सब्जी बोल रही हूँ तभी से, ये सब्जी नहीं है भुजिया है, सब्जी तो झोर झोर रहता है। और मैं पत्ता सभी को काट दी हूँ, क्योंकि पैसा लगा है ना 20 रुपया का 20 रुपया, और सुबह के लिए भी हो जाएगा हमारा नाश्ता, यही नाश्ता बन जाएगा, डिनर को ही हम लोग सुबह में नाश्ता कर लेंगे, दो ही लोग हैं तो ज़्यादा बन जाता है दोस्तों, तो जितना खाएंगे खाएंगे अभी, और इसको सुबह में खाएंगे, और टेस्ट करके देखती हूँ। मेरा दीदी तो बोल रही है कि सब्जी तो टेस्ट है बोल के, तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है सब्जी को टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा है दोस्तों। और फ्लावर्स गोभी को तो सब्जी बनने से उतना टेस्ट नहीं लगता है जितना भुजिया में लगता है, तो आप लोग कौन सा वाला खाने के लिए पसंद करते हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सो दोस्तों अभी खाना पीना हो गया है खत्म, और हम लोग अभी सोने वाले हैं, क्योंकि कल रात में मैं 2 बजे सोई थी, मतलब संडे का नाइट में मैं 2 बजे सोई थी, पूरा नींद नहीं आ रहा था, क्या हो गया था मुझे भी पता नहीं, नींद ही नहीं आ रहा था, उसका वजह से पूरा नींद 9 बजे ही सोई थी, बट मतलब नींद नहीं आ रहा था, 2 बजे सोई हूँ, और सुबह मैं 7:30 को उठ ड्यूटी गई,
तो इसीलिए बहुत सर पर चक्कर आ रहा है, पर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी सो जाते हैं। आज खाना पीना करके जल्दी सो जाएंगे। तो दोस्तों कल घर से थोड़ा बहुत बुरा खबर आया, तो मुझे लग रहा था कि कुछ हो रहा है घर में बोल के, और उसी के वजह से मुझे बहुत टेंशन लग रहा था और नींद भी नहीं आ रहा था। 2 बजे रात को सोई, 1:40 पार हुआ था और मेरा दीदी फोन की, तो मैं रिसीव की और बोली कि घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहे हैं और मम्मी अभी फोन नहीं उठा रही है, और वो बोल रही है कि मुझे बहुत गाली दे रहे हैं ऐसे ऐसे बोल के। तो आप लोगों को डिटेल्स तो नहीं बता सकते, घर से इतना दूर में हूँ फिर भी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन लग रहा था। और आखिर में मुझे बुरा खबर मिल भी गया कि मेरा माँ के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं बोल के। तो मेरा दीदी फोन की, सुबह सुबह 3:40 पार हुआ था, तो मेरा माँ को फोन लगा रही थी, फोन भी नहीं लग रहा था। कितना मुश्किल का बाद में मेरा चाचा का बेटा का फोन की और वो मेरा मम्मी को फोन दी, तो मेरा मम्मी बहुत, मैं भी सुबह सुबह बहुत रोने लगी। इसी के वजह से मेरा आज दिन भर बहुत टेंशन में गुजारी हूँ। आज का दिन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अच्छा करने का कोशिश की। तो दोस्तों फुल डिटेल्स तो आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आगे जाके आप लोगों को जरूर मैं शेयर करूंगी कि मेरा घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं बोल के। तो दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना जरूर। चैनल में अगर जो भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।